everyone, this is Anjali and welcome back to my channel Korean Drama Explanation. Today I'm going to explain an emotional Japanese movie love letter कि कैसे दो पेन पाल फ्रेंड्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको पेन पाल का मीनिंग बताना चाहती हूँ। जब दो लोग एक दूसरे से लेटर के थ्रू बात करते हैं उसे पेन पाल बोलते हैं। सो विद प्लॉट स्पॉयलर अलर्ट एंड लेट्स गेट टू द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हिरोको नाम की लड़की से मिलते हैं। एज अ ऑडियंस हमें पता चलता है कि दो साल पहले हिरोको ने अपने फियांसे फुजी इत्सुकी को खो दिया था और वो उसी की बरसी में एक जापान की सिटी कोबे आई हुई है। वहाँ फुजी इत्सुकी के दोस्त नहीं आए हुए होते हैं क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान वो सब उसके साथ थे लेकिन वो सब उसको बचा नहीं सके, जिसके लिए वो आज भी रिग्रेट करते हैं। हिरोको फुजी इत्सुकी के घर जाती है जहाँ उसकी माँ रह रही होती हैं। वो उसे फुजी इत्सुकी की हाई स्कूल की बुक्स देती हैं। जब हिरोको बुक्स देख रही होती है तो उसमें उसको इत्सुकी की फ़ोटो दिखाई देती है। उसको देख के उसको विश्वास ही नहीं होता है कि वो आज उनके बीच नहीं है। लास्ट पेज पे इत्सुकी के पुराने घर का एड्रेस लिखा हुआ था। इत्सुकी की माँ बताती हैं कि वो पहले उतारो नाम की सिटी में रहती थी लेकिन अब उनके घर के प्लेस पे हाईवे बन गया है। कुछ सोच के हिरोको उस एड्रेस को अपने हाथ पे लिख लेती है। उतारो सिटी में ठंडी का मौसम है और बर्फ़ पड़ रहे हैं। वैसे हम एक पोस्टमैन को देखते हैं जो लेटर लेकर आया है और वो घर के बाहर ज़ोर ज़ोर से इत्सुकी नाम पुकार रहा है। अंदर से एक लड़की भागती हुई आती है। इसका नाम भी फुजी इत्सुकी ही है। वो अपने माँ और दादाजी के साथ रहती है। घर के अंदर जाके वो लेटर को देखती है जिससे उसको पता चलता है कि ये कोई हिरोको नाम की लड़की ने इस लेटर को कोबे सिटी से पोस्ट किया है। जब वो लेटर खोलती है तो उसमें लिखा हुआ होता है, डियर इत्सुकी तुम कैसे हो, आशा करती हूँ तुम अच्छे होगे, तुम्हारी हिरोको। ये सारी बातें वो अपनी माँ और दादाजी को बताती है। इत्सुकी को कुछ टाइम से सर्दी है जिस कारण वो अपने जॉब पे नहीं जा रही है। उसकी माँ भी काम पे जाती है और उसके दादाजी तो अपनी अलग दुनिया में ही रहते हैं। घर पे बैठे बैठे वो बोर फील कर रही थी तो उसे एक मस्ती सूझी। वो मजाक में हिरोको को लेटर लिख देती है और जिसमें वो बताती है कि डियर हिरोको मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे सर्दी हुई है। कुछ दिन बाद उसे फिर से लेटर रिसीव होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो कुछ मेडिसिन भेज रही है जिससे उसकी सर्दी ठीक हो जाएगी। इत्सुकी ने इस लेटर को उम्मीद बिल्कुल नहीं किया था। यहाँ हम हिरोको को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ है। इस लड़के का नाम अकीबा होता है और ये इत्सुकी के हाई स्कूल का फ्रेंड होता है। उस दिन अकीबा भी इत्सुकी के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा था। अकीबा हिरोको के फेस पे स्माइल देख के पूछता है कि क्या हुआ। हिरोको बताती है कि उसने इत्सुकी के पुराने एड्रेस पे लेटर पोस्ट किया था और उसे वहाँ से जवाब भी मिला। उसने सोचा नहीं था कि ऐसा चमत्कार होगा। अकीबा हिरोको को पसंद करता था और उसे बोलता है कि अब उसे इत्सुकी को भूल जाना चाहिए और उसे जाने देना चाहिए और वो उसको किस करता है। लेकिन हिरोको का मन नहीं मान रहा था क्योंकि उसको इत्सुकी का लेटर पढ़ के बहुत खुशी मिलती थी। हिरोको ने सारी लेटर्स अकीबा को दिखाई। अकीबा के लिए भी ये सारी चीज़ें शॉक्ड करने वाली थी। वो भी जानना चाहता था कि आखिर कौन है जो ये लेटर सेंड कर रहा है। वो हिरोको को उसके बारे में पूछने के लिए बोलता है और हिरोको भी ऐसा करती है। जवाब में हिरोको उसके बारे में पूछती है और वो कहती है कि अगर वो इत्सुकी है तो अपना कोई आईडी प्रूफ भेजे। लेटर के जवाब में इत्सुकी उसे अपनी आईडीज की फ़ोटो भेजती है। अकीबा हंस के बोलता है कि ये कोई लड़की है फुजी इत्सुकी नाम की जो ये लेटर्स भेज रही है और उसने लेटर्स भेजने से भी मना किया है। अकीबा कहता है कि उतारो में उसका एक फ्रेंड रहता है, वहाँ जाके वो इस लड़की के बारे में पता लगा सकते हैं। हिरोको इन सब के बाद बहुत उदास हो गई थी क्योंकि वो लेटर्स उसकी खुशी का कारण था। लेकिन अब हिरोको को पता चल गया था कि वो लेटर कोई लड़की लिखती है। अकीबा को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे आज भी एहसास होता है कि फुजी इत्सुकी आज भी उन दोनों के बीच में है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि वो उतारो चलेंगे। यहाँ महीनों हो गए लेकिन इत्सुकी की सर्दी ठीक नहीं हुई है। वो अपनी माँ के साथ घर देखने जा रही है। उतारो की गलियों में हिरोको और अकीबा इत्सुकी का घर ढूंढ रहे हैं। हाईवे बन जाने की वजह से घर का एड्रेस भी चेंज हो गया है। घर ढूंढने में दोनों को परेशानी हो रही है लेकिन इत्सुकी का घर ढूंढ लेते हैं। वहाँ जाके पता चलता है कि इत्सुकी अभी घर पर नहीं है। इत्सुकी के दादाजी कहते हैं कि वो कुछ देर में आ जाएगी, जब तक वो उसका वेट कर सकते हैं। लेकिन हिरोको को इत्सुकी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वो उसे लेटर लिखती है कि ये उसके घर के पास से लेटर लिख रही है और जिस फुजी इत्सुकी को वो ढूंढ रही है वो कोई और है। उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगती है लेकिन वो ये नहीं लिख पाती है कि अब फुजी इत्सुकी इस दुनिया में नहीं है। दोनों वापस जा रहे होते हैं। वहाँ से इत्सुकी एक टैक्सी से आ रही होती है लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं।
टैक्सी ड्राइवर इत्सुकी को घर उतार के हिरोको और अकीबा को अपनी टैक्सी में बैठा लेता है। टैक्सी ड्राइवर जब हिरोको को देखता है तो कहता है, अरे आप तो बिल्कुल उन्हीं मैडम की तरह दिख रही हैं जिन्हें मैंने अभी छोड़ा है। घर जाके इत्सुकी उस लेटर को पढ़ती है और जवाब में लिखती है, डियर हिरोको, जब तुमने बताया कि मेरे ही नेम के पर्सन को तुम ढूंढ रही हो तो मुझे याद आया कि इसी शहर में सेम फूजी नाम का एक मेरा क्लासमेट हुआ करता था। इत्सुकी का प्रेजेंट वाला घर बहुत पुराना है और उसे रिपेयर करवाने के लिए बहुत खर्चे होंगे, इसलिए उसकी माँ इस घर को बेचना चाहती हैं और नया घर खरीदने की सोच रही हैं। इत्सुकी के दादाजी उस घर से नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उस घर में उनके बेटे की यादें जुड़ी हुई है जो इन्हें छोड़ के इस दुनिया से चला गया जब इत्सुकी हाई स्कूल में थी। हिरोको दोबारा इत्सुकी के मदर के पास जाती है और वो इत्सुकी की बुक में से उसकी हाई स्कूल के ग्रुप फ़ोटो देखती है। वो जानना चाहती थी कि क्या सही में उसके क्लास में दो इत्सुकी नाम के बच्चे थे। वो वहाँ फीमेल इत्सुकी की फ़ोटो देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो हूबहू उसी की तरह दिख रही थी। वो कंफर्म करने के लिए इत्सुकी की माँ से पूछती है कि क्या ये लड़की उसी की तरह दिखती है, और जवाब में उसको हाँ मिलता है। हिरोको कहती है कि वो उनके बेटे को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी यदि वो इस रीज़न से उससे शादी करना चाहता था। वो कहती है इसका मतलब उसने सब झूठ कहा था कि उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। इत्सुकी की माँ कहती हैं कि उसका बेटा सही में बहुत ज़्यादा लकी था जो तुम आज भी उससे इतना प्यार करती हो। दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हिरोको जवाब में लिखती है कि इत्सुकी तुम सही कह रही थी कि तुम्हारे क्लास में सेम नाम का लड़का था क्योंकि ये लेटर मैंने उसी के हाई स्कूल में मिले एड्रेस पे पोस्ट किया था, लेकिन गलती से तुम्हारे पास कैसे चला गया पता नहीं। हिरोको लेटर में लिखती है कि क्या उसे इत्सुकी के बारे में और बता सकती है। इत्सुकी बताती है कि एक ही नाम होने की वजह से क्लास में बच्चे उन्हें बहुत टीस किया करते थे, उन्हें लव बर्ड्स बुलाया करते थे और जानबूझ के उन दोनों को साथ में ड्यूटीज लगा दिया करते थे। इत्सुकी बताती है कि रियलिटी में वो एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते थे, इसलिए वो दोनों दूर दूर ही रहते थे। एक दिन का इंसिडेंट बताती है जब लाइब्रेरी हेड्स के लिए वोटिंग हो रही थी और क्लास के बच्चे उन दोनों का नाम जोड़कर दे दिए थे। जब वो इस बात पर रोने लगी तो इत्सुकी ने एक लड़के से फाइट कर ली, लेकिन बाद में उन दोनों को ही लाइब्रेरी हेड के लिए चुना गया। वो थोड़ा अजीब था, वो लाइब्रेरी में भी बुक्स पढ़ने के लिए नहीं लेता था बल्कि उस पर अपना नाम लिख दिया करता था। हिरोको कहती है कि कितना अजीब है ना, क्योंकि वो जिस इत्सुकी को जानती थी वो कितना अलग था। एक दिन का इंसिडेंट बताती है जब उसका पेपर एक्सचेंज हो गया था और वो उस पेपर को देना चाहती थी, लेकिन क्लास में वो दोनों वैसे ही बदनाम थे तो वो उसका साइकिल स्टैंड पे वेट कर रही थी ताकि वो उस पेपर को दे सके, लेकिन वो दे नहीं पाई और वो आज भी उस टेस्ट पेपर को अपने पास रखी हुई है। वही सेम टेस्ट पेपर वो हिरोको को पोस्ट करती है। हिरोको बताती है कि ये पेपर्स उसके लिए खजाने से कम नहीं है, इसलिए वो इत्सुकी की आभारी है। हिरोको पूछती है कि क्या उसको पता है कि इत्सुकी को किस तरीके की लड़की पसंद थी या उसे कोई अच्छी लगती हो। इत्सुकी बताती है कि वो बहुत ही अजीब था और उसको लगा नहीं था कि कोई उसको पसंद करता होगा, लेकिन इत्सुकी बताती है कि वो गर्ल्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। उसकी एक फ्रेंड ने बताया कि वो इत्सुकी को पसंद करती है और वो उससे उसका इंट्रोडक्शन करवा दे। जब इत्सुकी ने लाइब्रेरी में उससे उस लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए पूछा तो उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसने पूछा कि क्या कोई और है जिसे वो पसंद करता है, तो कोई जवाब नहीं आया। उसको नहीं लगता कि इत्सुकी किसी को पसंद करता था। हिरोको इत्सुकी को कैमरा भेजती है ताकि वो अपने हाई स्कूल की फ़ोटो भेजिए जहाँ इत्सुकी और उसके फियांसे पढ़ते थे। नेक्स्ट डे इत्सुकी अपने स्कूल में घूम घूम कर चारों तरफ से फ़ोटो ले रही होती है। वैसे ही उसकी लाइब्रेरी टीचर मिली और वो उसे पहचान जाती हैं। वो उसे अपने साथ लाइब्रेरी ले जाती हैं। जब वहाँ पहुँचती है तो टीचर उसका इंट्रोडक्शन करवाती हैं और ये सब सुन के वहाँ के सारे बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका नाम लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा फेमस था। उसका नाम लाइब्रेरी की हर किताबों में है। बच्चों ने उसके नेम से गेम भी बना दिया था। इत्सुकी बताती है कि वो नेम मैंने नहीं, मेरे क्लास के एक लड़के ने लिखा था। उसका भी नाम फूजी इत्सुकी था। फिर एक स्टूडेंट बोलती है, फिर तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जभी तो उन्होंने सारी किताबों पे आपका नाम लिखा है। इत्सुकी ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि फूजी इत्सुकी उससे प्यार करता होगा। वो ये सब सोच के मन ही मन मुस्कुराने लगती है।
कुछ देर बाद उसकी टीचर उसके पास आती है और वो बताती हैं कि फुजित्सु के 2 साल पहले ही गुजर गया। अकीबा हिरोको से बोलता है कि एक बार उन्हें उसी माउंटेन पे जाना चाहिए जहाँ पे उन्होंने फुजित्सु को हमेशा के लिए खो दिया था। तुम उसे आखिरी अलविदा कह सको और आगे मूव ऑन कर सको। दोनों उस माउंटेन पे जाते हैं लेकिन हिरोको को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ बहुत समय से सर्दी होने की वजह से इत्सुकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दादाजी एम्बुलेंस को कॉल करते हैं लेकिन सिटी में बर्फ़ ज़्यादा गिरने की वजह से वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। सालों पहले भी ऐसी हालात थी जब दादाजी ने अपने बेटे को खो दिया था। इत्सुकी की माँ दादाजी को ब्लेम करती हैं कि ये सेम चीज़ इत्सुकी के साथ ना हो, लेकिन दादाजी इत्सुकी को अपने पीठ पे ला दे जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इत्सुकी की माँ ये सब देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि अब वो घर नहीं बेचेंगी क्योंकि इस घर में दादाजी की जान बसती है। यहाँ हिरोको अकीबा को उठाती है और उसी माउंटेन के बीच ले जाती है जहाँ पे उसने इत्सुकी को खोया था। अकीबा बोलता है कि इत्सुकी हमारे सामने ही खड़ा है, कह दो जो कहना है। हिरोको दौड़ती हुई जाती है और चिल्लाकर बोलती है, इत्सुकी तुम कैसे हो? मैं यहाँ ठीक हूँ। उसे बहुत शिकायतें करनी थी क्योंकि वो उसको छोड़कर चला गया, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कह ही नहीं पाती। वो बस चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। यहाँ इत्सुकी को जब होश आता है तो उसको बस यही याद था कि अब फुजित्सु इस दुनिया में नहीं है। घर वापस आने के बाद वो दोबारा हिरोको को लेटर लिखती है और बताती है कि वो कई दिनों से स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसके पापा एक्सपायर हो गए थे। एक दिन जब वो घर पे अकेली थी तो फुजित्सु उसके घर आया और उसने लाइब्रेरी में किताब देने के लिए कहा। उसे समझ नहीं आया कि वो किताब वो खुद क्यों नहीं गया देने, वो भी तो जा सकता था। वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया और उसके बाद उसने उसको कभी नहीं देखा क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो गया था। सुकी बताती है कि ये आखिरी कहानी है, इसके बाद वो कुछ नहीं जानती है। एक दिन देखते हैं दादाजी प्लांटिंग कर रहे थे और उन्होंने एक ट्री का नाम उसी के नाम पे रखा इत्सुकी, जिससे उसका ध्यान किताबों में लिखे इत्सुकी द्वारा नाम पे जाता है। और उसे एहसास होता है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसका नाम हर जगह सुनना और लिखना पसंद करते हैं। यहाँ स्कूल से वही बच्चे आते हैं जिनसे वो लाइब्रेरी में मिली थी और वो उसे वही बुक देकर जाते हैं जो फुजित्सुकी ने उसे हाई स्कूल के टाइम पे दिया था। ये सब बातें इत्सुकी हिरोको को लेटर में लिखकर बता रही होती है। वो कहती है कि जब उसने उस बुक को चेक किया तो लाइब्रेरी कार्ड में उसने खुद की फ़ोटो देखी, उसने उसकी स्केच बनाई हुई थी। हमें पता चलता है कि सच्ची में वो इत्सुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जबी तो उसने हिरोको से शादी करने के लिए हामी भरी थी क्योंकि वो बिल्कुल इत्सुकी की तरह दिखती थी। हिरोको सारी बातें समझ गई थी और उसने उन सारे लेटर्स को इत्सुकी को दोबारा वापस कर दिए क्योंकि उन लेटर्स और फुजित्सुकी पे बस उसी का हक था। और इसी के साथ इस मूवी की इमोशनल एंडिंग होती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ये पर्सनली मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर मूवी थी और आपको ये मूवी देखनी चाहिए। थैंक यू।